हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, मैं आज आपको क्लास 11 का चैप्टर 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझा रहा हूं। तो आज ये क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। क्लियर। तो गाइस, यहां पर बोला जा रहा है कि हमें रेडियन मेजर को चेंज करना है, यानी हमें क्या रेडियन जो मेजर्स है ना, हमें उसमें चेंज करना है किसको, डिग्री मेजर को। यानी कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। जो डिग्री में दी गई ना वैल्यू, इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो आ जाओ बारी बारी समझते हैं। बोला क्या जा रहा है, तो गाइज यहाँ पर है ना, क्या करना है, लिखिए वी नो डेट मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि पाई का मान 180 डिग्री भी होता है। होता है कि नहीं होता, होता है ना, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, है ना। या यो कहें 180 डिग्री इस गस्ट में 5 रेडियन। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये डिग्री में रहता है, जो पाई होता है ना, पाई के संग जो वैल्यू होती है, वो जो भी हो वो रेडियन ही कहलाती है, क्योंकि पाई यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर अगर हमें 25 डिग्री चाहिए होता तो हम क्या करते 180 डिग्री जो दिख रहा है ना, 180 डिग्री और पाई, तो यहाँ पर क्या करते हम, यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 25 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों तरफ जैसे कि हमने 25 डिग्री दी दिख रहा है, हमने मल्टीप्लाई करा 180 डिग्री में इजिकल्स में पाई मल्टीप्लाई 25 डिग्री। चाहिए किसका मान, 25 डिग्री का, तो 180 डिग्री को अपॉन में भेज दीजिए। तो 25 डिग्री इजिकल्स में पाई अपॉन में 180 डिग्री मल्टीप्लाई में 25 डिग्री। ये डिग्री ये समझ मत लेना कुछ और, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ 5 के पाले से कट सकता है, ये कट सकता है तो काट दीजिए। तो 5 5 जो 25 5 1 जो 5 5 2 जो 10 5 3 जो 15, ठीक है, 18 में से 15 गए, 16 17 18, 3 बचे, 3 इसको दे दिए, 5 5 जो 25 5 6 जो 30। यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 25 डिग्री इजिकल्स टू में 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। तो जी अपनी आ गई क्या, 25 डिग्री जो है, डिग्री को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में। तो आप समझे, तो ये तो था कि मैंने आपको डायरेक्ट आपको बता दिया। अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पेपर में क्या कहते हैं कि फॉर्मूले के थ्रू भी करते हैं, और जाहिर सी बात है कि फॉर्मूला लिखना इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है, जब भी अगर ऐसा आपसे बोला जाता है कि डिग्री को रेडियन मेजर में चेंज करना है, किसको, डिग्री मेजर्स को रेडियन मेजर्स में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा रेडियन मेजर्स इजिकल्स टू में पाई वाई 180 डिग्री मल्टीप्लाई में डिग्री मेजर। यहाँ पर रेडियन मेजर्स इजिकल्स टू पाई वाई 180 डिग्री डिग्री मेजर्स, रेडियन मेजर्स एज इट इज रहेगा। यहाँ जैसे मैंने 25 डिग्री चलाया था ना, ये तो शॉर्ट तरीके से बताया था, तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना कि रेडियन मेजर्स है, वो डिग्री में नहीं होता, तो ये तो डिग्री में दिया रहता है ना, तो आप इसको इसकी जगह पर नहीं रख सकते, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। अब रेडियन मेजर्स में पाई वाई 180 डिग्री मल्टीप्लाई में कितना है, डिग्री मेजर्स कौन है, 25 डिग्री, तो यहाँ पर 25 डिग्री रख सकते थे और 25 से इससे काट देते थे, तो क्या आ जाता, पाई 5 पाई वाई अपॉन 36। तो ऐसे करके ये आपका रेडियन मेजरमेंट आया था, किसका, 25 डिग्री का। तो मैंने आपको ये बता दिया कि देखो फॉर्मूला आप लिख सकते हो बकायदा, कोई मना नहीं है, लेकिन
फॉर्मूले के थ्रू करोगे तो ऐसे तरीके से एकदम सिस्टमेटिक कर देना। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले के थ्रू अगर आपकी ये बात रखी जाए तो हम क्या कहेंगे, रेडियन मेजरमेंट तो है ही, पाई एरा 180 डिग्री जीरा मल्टीप्लाई में 25 डिग्री काट दो, कटने के बाद क्या आ जाएगा, ये 36 आएगा, ये 5 आएगा और ये क्या आ गया, रेडियन मेजरमेंट हमारा 5 पाई अपॉन में 36 डिग्री हो गया क्या नहीं। तो जी हमारा कौन हो गया, रेडियन। याद है साइड में ये रेडियन में है या फिर ये आपका डिग्री में है, लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ऐसा लिखते हैं तो एक बात की ये रहता है कि आपको एग्ज़ाम में आधे नंबर भी नहीं कटेंगे, क्योंकि आधे नंबर कई बार कट सकते हैं अगर आप ये पूरा स्टेटमेंट नहीं रखते हो तो। आ गई समझने, तो मेरे ख्याल से आप सभी को मैंने जो टॉपिक बताया अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन को हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसकी सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट भी निपटा देते हैं जल्दी से, आ जाइए। सो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड लिखा है, ये दिया है माइनस के 47 डिग्री 30 मिनट्स, जी मिनट का साइन है। अब आप सोच रहे होगे यार जी क्या चक्कर है, डिग्री से आते आते मिनट आ गया, अब मिनट को भी चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। जी हाँ, देखिए क्या होता है इन सवालों में कभी कभार कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो चीज़ अपन को पता होनी चाहिए, जैसे कि डिग्री रेडियन हो गया। अब इन्हें क्या करना है, अगर हमें रेडियन मेजरमेंट में चेंज करना है तो हमें पहले नंबर इसको जो दिख रहा है ना 30 मिनट्स है, इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपल है, छोटी सी ट्रिक है, आपको बता देता हूँ। और हाँ ये भी बता दूँ, इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि आप लोग जानते तो होंगे कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, या यो कहें 60 मिनट इजकल्स में 1 डिग्री है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या है 30 मिनट है, तो हम क्या करें 30 मिनट हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ 30 मिनट का मल्टीप्लाई कर दे, तो कैसे, एज 30 मिनट मल्टीप्लाई 60 मिनट इजकल्स में 1 डिग्री मल्टीप्लाई 30 मिनट, मैंने दोनों तरफ 30 मिनट का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 60 मिनट को नीचे भेज दो, तो 30 मिनट इजकल्स में 1 डिग्री मल्टीप्लाई में 30 मिनट अपॉन में 60 मिनट, ठीक है। 0 से 0 कैंसल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर 30 मिनट इजकल्स में 1 डिग्री अपॉन 2, यानी ये 1/2 डिग्री आ गया। तो इससे क्या निकलता है, हमारा निष्कर्ष निकलता है कि हमारा 30 मिनट में 1/2 डिग्री होता है। अब अगर मैं आपको एक छोटी सी लैंग्वेज में बोलूं, जहां अपना 60 मिनट में 1 डिग्री हो रहा था, तो 60 का आधा कितना हो गया 30, तो 30 में कितना होना चाहिए था 1/2, क्योंकि उसका आधा कर रहे हो तो इसमें भी आधा होगा, है कि नहीं। इसलिए जी डिटेल में मैंने आप लोगों के लिए बताया है, जिनको है ना थोड़ा डाउट होता है समझने में, तो जिससे वो इस तरीके से समझ सके। तो 30 मिनट में 1/2 डिग्री होती है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आराम से कि माइनस के 47 डिग्री मल्टीप्लाई में चलना है ना ये, तो इसे अपन प्लस का साइन भी लगा सकते हैं 1/2 डिग्री। देखो ये मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, तो इसे अपन प्लस भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे कोई इश्यूज नहीं है। अब आ गया अपना ये, आ गया कि नहीं आ गया, है कि नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ जो माइनस का साइन है उसे डरने की जरूरत नहीं है, इसको तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, इसे मल्टीप्लाई में भी रख सकते हो, प्लस में भी रख सकते हो, इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 1 से जोड़ दो, तो इतना आ जाएगा 95 डिग्री अपॉन के 2, ठीक है, और माइनस तो चल रहा है एज इट इज़। तो इस तरीके से अपन ने क्या निकाल लिया, डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपल सी बात है कि अपन को क्या करना रहेगा, अब सिंपल सी बात क्या है, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कर देते हैं। हुआ कहाँ, फॉर्मूला तो आप सभी जानते ही होंगे, रेडियन मेजर्स इजकल्स टू में पाई वाई 180 डिग्री मल्टीप्लाई में डिग्री मेजरमेंट।
रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है, पाई ये रहा 180 डिग्री ये है और डिग्री मेजरमेंट ये है, तो ये माइनस में चल रहा है तो माइनस में चलन दो 95 डिग्री कौन की 2। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि ये 5 के पहाड़े से कटेगा तो ये भी कटेगा, तो क्या हो सकता है 5 1 5, 9 में से 5 गए 4 बचे, 5 9 45, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 18 में से 15 गए 16 17 18, 3 बचे, 3 इसको दे दिए तो 5 5 25, 5 6 30। ठीक है, तो यहाँ पर 19 का मल्टीप्लाई माइनस के 19 का मल्टीप्लाई पाई में करिए और यहाँ 36 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, कितना आ जाएगा रेडियन मेजरमेंट, माइनस के 19 पाई अपॉन 36 का इंटू इसमें करा तो कितना आ जाएगा, 6 2 6 2 12, 3 2 6 7 72। तो कितना आ गया अपना जी रेडियन जो मेजर्स आया है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 90 पाए अपॉन में 72 रेडियंस, कितनी आ गई 72 रेडियंस आ गई। तो जी अपना क्या हो गया आंसर हो गया आंसर। तो आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जी। तो चलिए इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट भी अपन कर लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमने लिखा है 240 डिग्री, ठीक है, ये आपका थर्ड है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। तो अब तो देखो यहाँ तो डिग्री में ऑलरेडी है ही, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, लिखना है वी नो डेट जी रेडियन का फॉर्मूला लिख दीजिएगा। मैं रेडियन मेजरमेंट को आर एम के नाम से शो कर रहा हूँ, आप लोग नहीं शो करेंगे, आप लोग फुल लिखेंगे, ठीक है, ये वो यहाँ पर थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, इसलिए पाई वाई 180 डिग्री इजिकल्स मल्टीप्लाई में। और हाँ ये 180 है ना, डिग्री मत बोलना, जैसे कि मैंने भी आपको बता देता हूँ कि ये रेडियन में ऑलरेडी है ही, पाई अगर लग गया ऊपर तो रेडियन में है इसलिए डिग्री नहीं होगा। एंड डिग्री मेजरमेंट को मैं लिख देता हूँ डी डॉट एम डॉट, ठीक है, आप लोग समझ जाओगे ना, मैं बोलूँगा भी सही उच्चारण भी करूँगा, रेडियन मेजरमेंट इजिकल्स टू में पाई वाई 180 मल्टीप्लाई में डिग्री मेजरमेंट। अब रेडियन मेजरमेंट एज इट इज रहेगा पाई 180 मल्टीप्लाई में डिग्री मेजरमेंट कितना है 240। अब कुछ नहीं कीजिए भैया, काट डालो, ठीक है, अब इन दोनों को बली का बकरा बनाना पड़ेगा क्या नहीं, तो काटें, चलो ये कट गया, 0 से 0 कट गया और यहाँ पर हो जाएगा 4 के पहाड़े से तो नहीं कटेगा, ये कटेगा अपना 3 के पहाड़े से भी कट सकता है, 3 6 18, 3 8 24, ठीक है, 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 3 6, 2 4 8 हो गया। सो गाइस आंसर इज 4π/3 रेडियन, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रेडियन यहाँ इसलिए लग गया क्योंकि यहाँ पे अपन रेडियन मेजरमेंट ही निकाल रहे थे, ये आपको मैं पहले याद दिला दूँ। सो जैसे कि जी निकल गया, फोर्थ पार्ट है अपना लास्ट जो कि इस क्वेश्चन का वो है 520 डिग्री, ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, सेम प्रोसेस वी नो डेट, वी नो डेट क्या, रेडियन मेजरमेंट इजिकल्स टू में पाई वाई 180 मल्टीप्लाई में डिग्री मेजरमेंट, क्लियर, तो पाई वाई 180 मल्टीप्लाई में डिग्री मेजरमेंट 520 है, चलो काट डालो दोनों को, ठीक है, 0 से 0 कैंसल, और तो यहाँ पर अपन अगर किस पाले से काटें कि ये अपने अच्छे दोनों बराबर कटे आए, तो मेरे ख्याल से कटना चाहिए 2 के पहाड़े से, ठीक है, 2 के पहाड़े से काट के देखते हैं क्या होता है, 2 के पहाड़े से अगर हम काटेंगे तो 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 आसे ले 2 6 जा 12, ये तो भाई ऑड और इवन नंबर आ गया, जी क्या चक्कर है, अब किस पहाड़े से कटेगा ये सोचिए। सो गाइस ये अब किसी पहाड़े से नहीं कट सकता, इसलिए अब क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ 26 पाई अपॉन 9 रेडियन,
यानी ये रही हमारा आंसर है। ऐसा जब होता है कि जब मान लीजिए दोनों अगर एक ही पाले से नहीं कट रहे हो, तो यानी ये आंसर अपना वही होता है। क्लियर? तो जैसे कि यहाँ पर जी हो गया हमारा, हमने एकदम एग्जल्ट करा, लेकिन याद रहे जी नहीं कि आपने प्रोसेस गलत करी हो और फिर गलत और नहीं कट रहा, तो आप समझ लो यही आंसर है कि आप कहो कि सर ने तो ऐसे कुछ बताया था। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, प्रोसेस अगर क्लियर होगी यानी प्रोसेस आपकी अगर सही होती है जैसे मैं कर रहा हूँ, तो वैसे में अगर आप काटते हैं तो आपका सही निकलेगा आंसर। ठीक है, देन मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। अगर आप फॉर्मूला रख के भी करना चाहोगे तो फॉर्मूला रख के ऐसे होता है, एंड शॉर्टकट जैसे कि अपन कहते नहीं है शॉर्टकट में, अगर ये कभी कभार आपके वो आ जाता है उसमें ओटी में आ जाता है, यानी कि जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं या सही विकल्प होते हैं, है ना, चूज़ द करेक्ट आंसर्स, उसमें भी कभी कभार आ जाता है क्योंकि ये शॉर्ट में रहते हैं ना इसलिए। तो इसमें अगर आपको जल्दी जल्दी करना हो ना तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो दोनों मेथड आपके सामने हैं, फॉर्मूला बेस भी है और जी भी है, और मेरी सलाह माने तो फॉर्मूला बेस में करना क्योंकि ये ज़्यादा इजी है और साथ में आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और आपको मैंने कहा था ना महीने के अंत तक आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो देखिए आप लोगों के लिए वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दी थी। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।